के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भाजपा जनों ने नगर में जगह जगह आयोजित किया पीएम मोदी के मन की बात का कार्यक्रम। विश्व वैदिक सनातन संघ ने संगोष्ठी आयोजित कर मुगलों द्वारा कब्जा की गई मंदिरों पर की चर्चा। नगर निगम 1 से 3 दिसंबर तक चलाएगा 75 घंटे का सफाई अभियान। सीसीटीवी कैमरे से चिन्हित होंगे सड़क पर कूड़ा फेंकने वाले। और डिप्टी सीएम द्वारा उद्घाटित 2 दिवसीय काशी तमिल दिव्यांग क्रिकेटम संपन्न। और अब खबरें विस्तार से। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता भवन में आयोजित 4 दिवसीय साइकेट्रिक सम्मेलन रविवार को संपन्न हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता भवन में आयोजित 4 दिवसीय साइकेट्रिक सम्मेलन रविवार को संपन्न हुआ। इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट साइकियाट्री के 23वें 4 दिवसीय वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन के 4थे व आखिरी दिन बीएचयू के स्वतंत्रता भवन में देश विदेश से आए मनोचिकित्सकों ने मानसिक रोग से संबंधित अपने अपने विचार रखे। इस सम्मेलन में देश विदेश के लगभग 1000 मनोचिकित्सकों ने भाग लिया व अपने सुझाव दिए। इस दौरान चिकित्सकों ने बच्चों से जुड़ी मानसिक समस्याओं, महिलाओं से जुड़ी मानसिक समस्याओं के साथ साथ सामान्य मानसिक बीमारियों के बारे में विस्तार से बताया और उनके निवारण के लिए क्या करना चाहिए उसकी भी जानकारी दी। डॉक्टर राजेश नागपाल ने नई दवाइयों से मानसिक रोगियों को स्वस्थ करने की विधि बताई। डॉक्टर तनु सिंह ने महिलाओं से जुड़ी मानसिक समस्याओं के बारे में अपनी बातें साझा की। इस दौरान चिकित्सकों ने कहा कि कोरोना काल के बाद से व्यक्तियों और बच्चों के व्यवहार में काफी बदलाव देखने को मिला। लोग मामूली बातों पर भी काफी ज्यादा गुस्सा करने लगे हैं। इस दौरान चिकित्सकों ने परिवार में महिलाओं और बच्चों को तनाव मुक्त कैसे रखें, इन सब विषयों पर भी विचार विमर्श किया। अधिवेशन के दौरान चिकित्सकों ने मोबाइल फोन के ज्यादा इस्तेमाल से होने वाली बीमारियों के बारे में चर्चा की और कहा कि लोग कम से कम मोबाइल फोन का प्रयोग करें और अपने छोटे बच्चों को बहलाने व खुश करने के लिए मोबाइल देकर उनकी आदतों को ना बिगाड़े और हो सके तो रात में मोबाइल फोन बंद कर अपने परिवार के लोगों से संवाद करें, जिससे आप तनाव मुक्त हो सके। विश्व वैदिक सनातन संघ द्वारा रविवार को एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुगलों द्वारा कब्जा किए गए मंदिरों व आदि विशेश्वर को ज्ञानवापी के रूप में स्थापित करने पर चर्चा हुई। विश्व वैदिक सनातन संघ की ओर से रविवार को एक संगोष्ठी रथ यात्रा स्थित एक निजी रेस्तरां में हुई। इसमें वक्ताओं ने एक स्वर में पूर्व में मुगलों द्वारा कब्जा की गई सभी मंदिरों की जमीन को खाली कराने तथा आदि विश्वेश्वर ज्ञानवापी के रूप में स्थापना करने का संकल्प लिया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी प्रकरण के वरिष्ठ अधिवक्ता मान बहादुर सिंह ने कहा कि न्यायालय में हिंदू पक्षों के द्वारा जानबूझकर मामले को लटकाया जा रहा है और अब जनता इस विषय की चर्चा करके जन जन तक पहुंचना पड़ेगा। वहीं विश्व वैदिक सनातन संघ के अधिवक्ता अनुपम द्विवेदी ने रीट पर प्रकाश डालते हुए पूरी पृष्ठभूमि को विस्तार से बताया। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संतोष सिंह ने वैश्विक वैदिक सनातन संघ के आदि विशेषण ज्ञानवापी के प्रकरण में आर पार की लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया, साथ ही वीडियो लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग की। कार्यक्रम में संगठन विस्तार करते हुए प्रदेश अध्यक्ष अजीत सिंह ने वाराणसी मंडल के लिए हरिश्चंद महाविद्यालय छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष शैलेन्द्र पांडे कवि एडवोकेट तथा वाराणसी के जिला अध्यक्ष के लिए उदय प्रताप महाविद्यालय के छात्र संघ के पूर्व महामंत्री प्रवीण सिंह रघुवंशी एडवोकेट तथा वाराणसी महानगर अध्यक्ष के लिए अनुराग पांडे छोटू की घोषणा की। वहीं महानगर संगठन मंत्री विकास की भी घोषणा हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता सिद्धनाथ सिंह तथा संचालन बीएचयू के अजीत सिंह ने किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से विंध्याचल चौबे, भुवनेश्वर द्विवेदी, अनूप सिंह, राजेश्वर सिंह, मुरलीधर पांडे, ईश्वरचंद पांडे, विमलेश पाठक, अखंड सिंह, सत्य प्रकाश सिंह, रत्नाकर पांडे, ऋषि झिंगुर, अन पंकज पांडे, प्रदीप पांडे, राजू जितेंद्र द्विवेदी, गौरव सिंह, पिंटू हजारी, नारायण शुक्ला, विद्युत प्रकाश पांडे, अमित गुप्ता, आकाश गुप्ता, आशीष सुनकर, जितेंद्र जायसवाल, डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। विश्व वैदिक सनातन संघ संवैधानिक तरीके से अदालत में जो मुकदमे लड़ रहा है उसके, क्योंकि मुकदमा हमारा 712/22 पोषणीय हो चुका है, हम ज्ञानवापी के उन साक्ष्यों को लेकर के अदालत के सामने आएंगे जो उसे मंदिर सिद्ध करते हैं। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि वहाँ साक्ष्य इतने ज्यादा हैं, वहाँ साक्ष्य के अलावा कुछ है ही नहीं है, क्योंकि वो आदि विशेश्वर का मंदिर है। मुंबई से आई फिल्म अभिनेत्री मंजू धवानी ने रविवार की सुबह भदैनी स्थित रानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली पर पुष्पांजलि अर्पित की।
मुंबई की फिल्म अभिनेत्री मंजू धवानी रविवार की सुबह भदैनी स्थित महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली पहुंची और उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित की। जागृति फाउंडेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मंजू धवानी ने सर्वप्रथम वीरांगना के चित्र पर माल्यार्पण किया, उसके बाद जन्मस्थली पर जल रहे अखंड दीप पर पुष्प वर्षा कर महारानी के चरणों में शीश नवाया। इस अवसर पर फिल्म अभिनेत्री मंजू धवानी ने कहा कि आज वीरांगना की जन्मस्थली पर आकर बहुत ही गर्व की अनुभूति हो रही है। यह ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में अंग्रेजों को मार भगाया था। मेरा भी सपना है कि महारानी के जीवन पर आधारित फिल्मों में अभिनय करूं। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि लोक भूषण सम्मान से सम्मानित डॉक्टर जयप्रकाश मिश्र थे। कार्यक्रम के संयोजक एवं जागृति फाउंडेशन के महासचिव राम यश मिश्र थे। इस अवसर पर रंगकर्मी निरंजन चौबे, सत्यांशु जोशी, हरिनाथ गौर, नर्मदा गौर, सीमा गौर सहित काफी संख्या में काशी के नागरिक उपस्थित थे। गंगोत्री बिहार कॉलोनी में पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का आयोजन अध्यक्ष भाजपा काशी क्षेत्र अनूप जायसवाल के नेतृत्व में संपन्न हुआ। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र द्वारा आकाशवाणी से प्रसारित पीएम मोदी द्वारा संबोधित मन की बात कार्यक्रम गंगोत्री बिहार कॉलोनी नगवा भाजपा काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा अनूप जायसवाल के नेतृत्व में हुआ। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 देश के अध्यक्षता के बारे में बताया और स्पेस में जाने वाले मिसाइल पूरी दुनिया से सस्ती व अच्छी हमारा देश बना रहा है, जिससे जो छोटे देशों का भी भारत सहयोग करेगा वे इस स्पेस मिसाइल को ले सकते हैं। शिक्षा व अपने वैज्ञानिकों के बारे में बताएं, इस तरह से अनेक बिंदुओं को बताएं। आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महानगर अध्यक्ष शोभनाथ मौर्य रहे। कार्यक्रम का संचालन मिठाई लाल यादव धन्यवाद ज्ञापन गोपाल सिंह ने किया। कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व पार्षद गीता शास्त्री, धीरेन्द्र शर्मा, मनीष चौरसिया, डॉक्टर प्रत्युम्न राय, अमरीश जायसवाल, अनिल पाठक, सुभाष त्रिवेदी, आशीष त्रिवेदी, अवधेश शुक्ला, श्री प्रकाश रहे। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम के सूत्र के साथ कि विश्व गुरु के स्थान पर जो भारत स्थापित होने की ओर अग्रसर है, बिना विद्या के उसका महत्व नहीं है। तो इसलिए और G20 के बारे में हम सबको बताया, जागरूक किया कि इसके बारे में हम स्कूलों कॉलेजों में क्विज कॉन्टेस्ट करा करके बच्चों को भी जानकारी देने का काम करें। तो जैसे एक अच्छे प्रोफेसर क्लास होती है, उसी तरह माननीय मोदी जी हर माह हम सबको एक बहुत सारी जानकारी वाली बातें बताते हैं, जिससे कि हम सबका ज्ञानवर्धन होता है और जीवन में आगे बढ़ने के अवसर में उन बातों का उपयोग होता है। सिगरा थाना क्षेत्र के बादशाहबाग कॉलोनी में भी सुशासन विभाग की ओर से आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र के बादशाहबाग कॉलोनी में प्रधानमंत्री के मन की बात को सुशासन विभाग की तरफ से आयोजित किया गया। इसमें प्रदेश सरकार के मंत्री रविन्द्र जायसवाल, भाजपा काशी क्षेत्र के महामंत्री अशोक चौरसिया, पूर्व FLC केदारनाथ सिंह, सुशासन विभाग काशी क्षेत्र संयोजक दिनेश कालरा सहित कॉलोनी के वरिष्ठ लोगों के साथ बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। बादशाहबाग कॉलोनी के समस्त भाई बहने के साथ में मन की बात को सुना जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो मन के बात में कुछ नवाचार बताए जाते हैं तो लोगों को प्रेरणा मिलता है, हर व्यक्ति कुछ नवाचार करने का मन बनाता है, संकल्प लेता है। हम सब उनके हर महीने के अंतिम रविवार को कहीं न कहीं मन की बात सुनते हैं। आज आप देख रहे हैं पूरी कॉलोनी इकट्ठा होकर मन की बात सुन रहा है। वाराणसी में काशी तमिल संगमम के तहत अब 1 से 3 दिसंबर तक 75 घंटे सफाई अभियान चलाया जाएगा व CCTV के माध्यम से कचरा फैलाने वालों पर पैंदी नजर से निगरानी होगी। काशी तमिल संगमम के जरिए उत्तर व दक्षिण भारतीय संस्कृतियों के संगम की गवाह बन रही काशी की स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए नगर निगम प्रशासन सतत प्रयासरत है। इसी क्रम में निगम प्रशासन की ओर से 1 से 3 दिसंबर के मध्य 75 घंटे का सतत सफाई अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान घाटों को पूरी तरह कचरा मुक्त रखने की कोशिश की जाएगी। निगम प्रशासन CCTV कैमरे के जरिए रात के वक्त सड़क पर कचरा फेंकने वालों को चिन्हित कर जुर्माना लगाएगा। नगर आयुक्त प्रणय सिंह ने रविवार को आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि काशी तमिम संगमम चल रहा है, वाराणसी में पर्यटकों की संख्या काफी बढ़ रही है। 1 से 3 दिसंबर तक लगातार 75 घंटे सफाई अभियान चलेगा। इसमें अलग अलग तरीके का कार्य होगा। इसमें कचरा पॉइंट को साफ करना, चौराहे का सुंदरीकरण, पौधारोहण कर हरियाली फैलाने का काम किया जाएगा। रात के वक्त भी सैलानी भ्रमण करते हैं।
ऐसे में सड़कों व गलियों में कचरा फैलाने वाले नागरिकों व दुकानदारों को सीसीटीवी कैमरे के जरिए चिन्हित कर चालान किया जाएगा। स्वच्छता को लेकर प्रचार प्रसार भी किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। लोग नगर निगम वाराणसी आप लोगों के सहयोग से, काशी की जनता के सहयोग से 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक आजादी का अमृत महोत्सव में एक प्लान किया है कि एक वृहद स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स को हटाया जाएगा, जगह जगह जीरो वेस्ट या जीरो गार्बेज घाट्स को हम लोग प्रमोट करेंगे। ऐसी विभिन्न गतिविधियां जिसमें सेल्फी चैलेंज, अलग अलग चैलेंज रहेंगे, नुक्कड़ नाटक रहेंगे कि जिसमें जनता पार्टिसिपेट करे और उनको पुरस्कार भी दिया जाए ताकि वो एक लोग हम लोग से जुड़े और हमारा मैसेज आगे तक पहुँचाएँ। साथ ही साथ जो लोग बात नहीं मानते हैं और जो लोग इस तरह से हैं कि जो लोग नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, अब भी इतने दिनों कहने के बावजूद भी, तो हम लोग उन पर जुर्माना लगाएंगे। जुर्माने का प्रावधान 5,000 रुपये से 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना है। और ये एक अपील रहेगी, खुले में कूड़ा कोई ना फैलाए, अपने अपने प्रतिष्ठान पे, अपने यहाँ, अपने जो भी दुकान है आपकी, उसके अपने अपना कूड़ेदान रखें, उसमें गाड़ी आती है उसको दीजिए, और नहीं तो आपके पास ऑलरेडी शहर में जगह जगह बिन्स रखे हैं उसमें रखें, वो गाड़ी भी खाली होती है, तो उन पर अब जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही साथ कुछ सूचनाएँ ऐसी मिलती हैं, कुछ बड़े कुछ अस्पताल वगैरह भी कुछ सूचना मिलती है कि कई बार जो बैंड वेस्ट होता है या सैनिटरी वेस्ट है वो नॉर्मल कूड़े में डाल देते हैं, उन पर भी जुर्माना लगाना प्रावधान है। हमने चिन्हित कर लिया है, 1 तारीख से हम इस पर विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। हिंदू युवा वाहिनी नेता अनूप पांडे दादा की स्मृति में शोक सभा का आयोजन हुआ। मालवीय मार्केट स्थित स्वतंत्रता सेनानी हेमू कालानी जी के स्मारक प्रांगण में हेमू कालानी मंडल हिंदू युवा वाहिनी द्वारा मंडल के नवनिर्वर्तमान उपाध्यक्ष स्वर्गीय अनूप पांडे दादा की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा पुष्पांजलि एवं ओम शांति का पाठ एवं शोक सभा का कार्यक्रम आयोजित करते हुए श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही हेमू कालानी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मंडल के निवर्तमान अध्यक्ष शिवांशु यदुवंश ने बताया कि अनूप दादाजी हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारी रहते हुए सदैव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भाजपा एवं समस्त स्थानीय सामाजिक संस्था समितियों से जुड़ के सामाजिक कार्यों में अपना संपूर्ण योगदान देते रहे। साथ ही कार्यकर्ताओं को समाज के प्रति समर्पित होने के लिए प्रेरित भी करते थे। हम सभी के आदरणीय हमारे मंडल के निवर्तमान उपाध्यक्ष रहे श्री अनूप पांडे दादाजी के श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिनकी पिछले वर्ष बिहार स्थित उदरा थाने के अंतर्गत एक दुर्घटना में दुखद मृत्यु हो गई थी। हम सभी अपने किसी भी कार्यकर्ता का साथ कभी नहीं छोड़ते। आज आदरणीय अनूप जी के लिए हम सभी ने यह श्रद्धांजलि एवं शोक सभा का आयोजन किया था। एक भारत श्रेष्ठ भारत के उद्घोष के साथ जयनारायण इंटर कॉलेज के मैदान पर आयोजित 2 दिवसीय काशिल तमिल दिव्यांग क्रिकेटम का रविवार को समापन हुआ। एक भारत श्रेष्ठ भारत के उद्घोष के साथ जयनारायण इंटर कॉलेज के मैदान पर आयोजित 2 दिवसीय काशी तमिल दिव्यांग क्रिकेटम का रविवार को समापन हुआ। अंतिम दिन के पहले मैच में तमिलनाडु के पहले बैटिंग करते हुए 102 रन पर ऑल आउट हो गई तमिल टीम की ओर से निशांत ने ओपनिंग करते हुए 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 45 रन 36 बॉल खेलकर बनाया। शाहगुन ने 30 रनों का योगदान 27 बॉल खेलकर बनाया। काशी टीम की ओर से लव कुमार ने 2 ओवर 5 गेंद में 13 रन देकर 3 विकेट लिया, जबकि अजहर ने 4 ओवर में 16 रन खर्च करके 3 विकेट लिए। काशी की टीम ने मैच को जीता। लव कुमार ने 20 रनों व अजहर ने 24 रनों का योगदान दिया। शैल प्रकाश ने सर्वाधिक 35 रनों का योगदान दिया, उन्होंने 5 चौके लगाए। तमिल टीम की ओर से शैंथिल सर्वाधिक 2 विकेट लिए। 3 मैचों की सीरीज के तीसरे मैच में काशी टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 19 ओवर में आउट होकर 124 रन बनाए। काशी की टीम की ओर से राहुल व दिनेश ने 18-18 रनों का योगदान दिया। तमिल टीम की ओर से लक्ष्मण ने 4 ओवरों में 15 रन खर्च करके 3 विकेट लिए। तमिलनाडु की टीम ने लक्ष्य का पीछा कर इसे 14 ओवरों में लक्ष्य पूरा करके मैच अपने नाम कर लिया। मैच में तो तमिलनाडु टीम के कप्तान सचिव ने 51 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया, जबकि काशी टीम की ओर से अजहर व शील प्रकाश ने 1-1 विकेट लिया। तमिल टीम के कप्तान सचिव शिवा को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया, जबकि काशी टीम के अजहर को मैन ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। उन्होंने पूरी सीरीज के दौरान 9 विकेट लिया और 2 बार मैन ऑफ द मैच रहे। इस तरह से इस 3 मैचों की सीरीज को काशी की टीम ने 2-1 से सुब्रमण्यम भारतीय कप को जीत लिया। इसके पूर्व शनिवार को इस प्रतियोगिता का शुभारंभ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के कर कमलों द्वारा हुआ। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज
खेलों में दिव्यांग सामान्य से कहीं अधिक बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार भी इन्हें हर संभव मदद कर रही है। निश्चित रूप से दिव्यांगजन राष्ट्र की मुख्यधारा में सम्मिलित होकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकेंगे। यह देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के सोच का ही परिणाम है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए वाराणसी के जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने दिव्यांगजनों को अपनी शुभकामनाएं दी एवं हर संभव सहयोग करने का वचन दिया। केशव प्रसाद मौर्य ने उद्घाटन के मौके पर बल्लेबाजी में भी अपने हाथ आजमाए। लगातार एक ओवर तक बल्लेबाजी की और एक से एक उम्दा शॉट लगाए। साथ ही उन्होंने सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उन्हें शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर विधान परिषद सदस्य लक्ष्मण आचार्य, क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव, महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय, जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा, महामंत्री काशी क्षेत्र भाजपा अशोक चौरसिया, महापौर श्रीमती मृदुला जायसवाल, डॉक्टर संजय चौरसिया, डॉक्टर उत्तम मोझा आदि उपस्थित थे। और पूरा काशी भी गौरवान्वित है और तमिलनाडु में भी बहुत प्रसन्नता है लोगों में। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जैसे स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, जैसे सबका साथ सबका विकास, वैसे एक भारत श्रेष्ठ। नबी अहमद स्मृति कैनवास बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। रविवार को नबी अहमद स्मृति कैनवास बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन शास्त्री घाट वर्णाकुल के मैदान पर हुआ। 12-12 ओवर के मैच में टॉस जीतकर रिजर्व पुलिस लाइन कमिश्नरेट की टीम ने संयुक्त एकादश को बैटिंग के लिए आमंत्रित किया। संयुक्त एकादश की टीम ने 12 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 43 रन बनाए। जवाब में पुलिस कमिश्नरेट की टीम ने 8 ओवरों में ही 3 विकेट के नुकसान पर 44 रन बनाकर मैच को जीत लिया। प्रारंभ में पार्षद मयंक चौबे और विनय सदेजा ने दोनों टीमों से परिचय प्राप्त कर प्रतियोगिता को प्रारंभ करवाया। इस अवसर पर परवेज अहमद, विनय सिंह, रवि सिंह, अमित मिश्रा सहित तमाम खिलाड़ी और क्रिकेट प्रेमी मौजूद रहे। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत, नमस्कार। सच के साथ।